हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। अगर आपने इसके पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट पहले आप लोग वो पार्ट जरूर देख लें। इसके बाद दो ही पार्ट रह जाने वाले हैं, मतलब 19 और 20। तो ये होगा एपिसोड नंबर 18 का एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है ताबित बहुत ज़्यादा सैड था, क्योंकि उसे अब रियलाइज हो गया था कि वो मिलिन के पीछे ऐसे पागल होकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा था। और मतलब बोल रहा है सच्ची में रियलाइजेशन वाला। और यहाँ पर तो मिलिन ने साफ साफ था, तुम तो हो ही नहीं ताबित जो एक टाइम पे मेरे लिए अच्छा फील करता था, मैं उसके साथ सेफ फील करती थी, ऐसा उसने बोल दिया था। अब यहाँ पर लिसा को दिखाया जाता है। लिसा को भी पता है आज क्या हुआ था, और वो ताबित के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो इधर उधर ऐसे चल रही थी। तभी ताबित उसे कॉल करता है, बोलता है कि लिसा तुम कहाँ पर हो? वो बोलते मैं अपने काउंटर पर, मतलब रूम पर। और यहाँ पर ताबित आ जाता है और वो बोलता है पता है लिसा, मेरी लाइफ में ना सब कुछ सॉर्टेड था, मैं इस तरह से डिस्ट्रैक्ट होने वाला इंसान था ही नहीं, मैंने ना सब कुछ सोच के रखा था, लेकिन जब मैं मिलिन से मिला ना मेरा सब कुछ बदल गया और मैं वो डाइवर्ट हो गया, और अभी देखो क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं वो बन गया जो मैं बनना ही नहीं चाहता, ऐसा वो बोलता है। लिसा बोलती कि कोई बात नहीं, कभी कभी ना हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। ताबित बोलता है नहीं लिसा, मैं कन्फ्यूज होने वाला इंसान था ही नहीं, मैंने हमेशा सब कुछ ना पहले सोच के रखा हुआ था। और यहाँ पर वो बोलती कि हाँ मुझे पता है ऐसा फील होता है जब आप ना, जैसे कि मैं, मुझे जब इनने इसे धक्के मार के निकाल दिया था ना, उस टाइम तुम थे मेरे साथ, जब मैं लो फील कर रही थी तुमने ना मुझे रिकवर होने में बहुत मदद की है, तो मैं हूँ तुम्हारी फैमिली। और ये फैमिली और सुनने के बाद ताबित बहुत इमोशनल हो जाते हैं और बोलता है कि फैमिली, मेरे पास तो कोई फैमिली है ही नहीं, मेरे पापा अपने लिए लड़ नहीं पाए, मेरे लिए लड़ नहीं पाए, वो मेरे साथ रहने के लिए लड़ नहीं पाए, और मैंने हमेशा अकेले ऐसे पला बड़ा हूँ, मैंने जो भी किया है अकेले के दम पे किया है। ये बोल के रोने लगता है। लिसा उसे गले लगाती है और बोलती है कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन ताबित मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा, फिक्र मत करो मैं हूँ, ऐसा बोलती है। और वो बोलती कि हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं और इतना ही काफ़ी है। ये सुनने के बाद ताबित नेक्स्ट लेवल इमोशनल हो जाता है, और लिसा का कन्फेशन भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। और यहाँ पर वो ताबित को ऐसे हौसला देने लगती है और वो बोलती कि हम सब कुछ ठीक हो जाएगा वक्त के चलते, और मैं तब तक तुम्हारे साथ रहूँगी जब तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। वो होता है ना इमोशनल सपोर्ट वाला, मतलब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारी फैमिली बन के रहूँगी, मैं तुम्हारी ढाल बन के रहूँगी। और उसके बाद हमारी सेकेंड फीमेल लीड हमारे बंदे को किस कर लेती है। एंड या गाइज, अब मुझे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस ड्रामे में मेल लीड से भी बहुत अच्छी तरह से इस सीन को फिल्माया गया था, मतलब कुछ ज़्यादा ही प्रीशियस वाला मोमेंट था। ये दोनों हो गए थे इंटीमेट, और इस तरह से ताबित और लिसा की एक क्यूट सी केमिस्ट्री को एक मंजिल तो मिल गया। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है, यहाँ पर लिसा उठती है, और लिसा उठने के बाद ताबित बोलता है कि कल जो हुआ वो उसमें मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो, वो होना नहीं चाहिए था। लिसा बोलती कि तुम क्या बोल रहे हो, कल जो हुआ उसमें तुम कैसे कैसे अकेले गिल्टी फील कर रहे हो, हम दोनों की मर्जी से हुआ था ना। और यहाँ पर वो बोलता है कि फिर भी तुम्हारे दिल में उनके लिए फीलिंग है, जानने के बाद भी मुझे अपने आप को रोकना चाहिए था, ऐसा वो बोलता है। यहाँ पर वो बोलती कि नहीं, अभी मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग नहीं है, क्योंकि मैं ना जान चुकी हूँ कौन मेरे लिए खड़ा होता है, कौन मेरे सबसे ख़राब टाइम मेरे साथ रहता है, और मैं अब वो सब देखना सीख चुकी हूँ। ये सुनने के बाद यहाँ पर विन बोलता है, यहाँ पर ताबित बोलता है कि फिर भी ना मुझे वो करना नहीं चाहिए था, क्योंकि इस टाइम पे ना मैं अपने फीलिंग को लेकर श्योर नहीं हूँ, और मैं तुम्हारी फीलिंग को ना एक्सेप्ट कर भी नहीं सकता। मतलब वो ऐसा बोलता है कि जो तुम मेरे लिए फील करने लगी हो उसको अभी मैं ओके नहीं बोल सकता। यहाँ पर वो बोलती कि कोई बात नहीं आज तो नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि फिर कभी मैं तुम्हारे लिए ना मिलिन से भी अच्छा फील करवाने लगूँ। और उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, ताबित और लिसा को मिस्टर वी ने बुलाया था, तो इन दोनों ने डिसाइड किया था कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग करेंगे, और लिसा ने बोला था हम दोनों वेट करेंगे। सो नेक्स्ट सीन, यहाँ पर जो मिस्टर फारामा थे ना, वो ना बहुत ज़्यादा सैड थे और वो इतना ज़्यादा डिप्रेस हो चुके थे ना फी के वजह से। और नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर ताबित जिसे आए हुए थे विन और मिलिन के साथ, मतलब विन के घर पे, और यहाँ पर वो अंदर आ जाते हैं, और इसके बाद बोलते कि हम दोनों को तुम दोनों से बात करनी है। अब देखो चारों की क्वेश्चन कैसी है आप लोगों को तो पता ही है, तो अब सीधे मुँह बात तो करने वाले थे नहीं, तो यहाँ पर ताबित और मिलिन बात करने लगते हैं। यहाँ पर ना मिलिन बोलते कि क्या कहना है जल्दी से बोलो, और मुझे तुम्हारी शक्ल तो दिखनी नहीं है, मतलब वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी।
तो यहाँ पर ताबित बोलता है कि जो भी मैंने किया उसके लिए आई एम सॉरी, तुमने मुझे रियलाइज़ करवाया कि मैं जो बनना ही नहीं चाहता वो बन चुका था। और यहाँ पर वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। यहाँ पर वो बोलती है शायद हो सकता है मैं आज तुम्हें माफ़ ना कर पाऊँ लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करूँगी तुम्हें माफ़ करने की, ऐसा वो बोलती है। और बोलती है कि हमारी दूरियाँ रही वही सही है। और उसके बाद यहाँ पर ताबित बोलता है कि जो भी हुआ ना उसके अलावा ना कभी मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा नहीं है, इतना याद रखना कि मैं वो लड़का हूँ जिसने हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचा है, मतलब होता है ना गुड इंटेंशन वाला, तो इतना ज़रूर याद रखना है, ऐसा वो बोल देता है। और यहाँ पर मिलिन बोलती कि ठीक है लेकिन अब से ना मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करना, ऐसा वो भी सीधा सीधा बोल देती है। अब हम चलते हैं लिसा और विन के तरफ। हमारी लिसा बोलती है देखो इन सबसे पहले तो मुझे दो बातें क्लियर करनी है। एक बात है मतलब फर्स्ट वन की जो मैं तुमसे मूव ऑन कर चुकी हूँ, मतलब अभी मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। और दूसरी बात मैं मिस्टर फी के साथ काम कर रही हूँ उनके कंपनी में, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें हार्म करना चाहती हूँ या फिर हर्ट करना चाहती हूँ। मैं वहाँ पर इसलिए कर रही हूँ काम क्योंकि मुझे वहाँ का ऑफर अच्छा लगा, मेरे पास उस टाइम जॉब नहीं था क्योंकि तुमने मुझे काम से निकाल दिया था। और अभी मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि ना मुझे जानना है जो उन लोगों ने हमें काम करने के लिए भेजा है ना ताबित और मुझे उस सही या गलत, ऐसा बोल देती है। सीन कट होता है यहाँ पर हमारी ग्रैंड मम यानी कि मिलिन के दादी मैं बोलते कि तुम अब क्या करने वाले हो। यहाँ पर ओ मिस्टर वी बोलते सब कुछ मेरे कंट्रोल में है और उसको ना कोई ऐसे डगमगा नहीं सकता, मैं उनको तबाह करूँगा। और यहाँ पर हमारा किन बोलता है कि फार्मा आए हुए हैं, फार्मा क्यों आए थे तो हम चलते हैं दादी के साथ, फार्मा बात कर रहे थे। तो क्या था ना इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जो फार्मा के डैडी जी थे ना वो एम्पायर के एम्प्लॉय थे और बहुत बेस्ट थे। अब किस रीज़न की वजह से उन लोगों ने रिजाइन किया वो भी पता नहीं है। अब मिस्टर फार्मा के हिसाब से तो इन लोगों ने उनका फ़ायदा उठाया था इसीलिए और खुद कंपनी खोल लिए। कंपनी खोलने के बाद वो कंपनी ऑलमोस्ट डूब गई तो उन लोगों ने उन्हें सुसाइड कर लिया। और यहाँ पर मिस्टर फार्मा को ऐसा लगता है कि इन लोगों ने फ़ायदा उठाया और वो डिप्रेस होकर मतलब मर गए वो वाला। अब यहाँ पर दिखाया जाता है मिस्टर फार्मा फी को बोलते कि ये सब बंद करो वरना मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा, तुमने बहुत हद कर दिया है। और यहाँ पर वो बोल रहे थे कि तुमने जो किया है ना उसका मैं पर्दाफाश करूंगा। तब यहाँ पर मिस्टर फी बोलते कि इसकी फिक्र मत करो दोस्त, अगर तुम ना मिलिन और विन को अलग करने में कामयाब नहीं हुए और उन दोनों को अलग नहीं किया तो मैं तुमने जो किया ना तुम्हारी वाइफ की डेथ की वजह मैं विन को बता दूंगा, ऐसा वो बोल देते हैं। सीन शिफ्ट होता है यहाँ पर विन और मिलिन को दिखाया जाता है, वो लोग ना फाइल्स देख रहे थे जो ताबित और लिसा ने दिया था। तो यहाँ पर बहुत सारे फोटोज थे फाइल्स थे और यहाँ पर ये लोग पता नहीं कर पाए थे ये क्या चल रहा है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है यहाँ पर मिस्टर फी अब के हाथ में अभी भी गेम था और यहाँ पर वो बोलते कि मिलिन और विन को अलग करना ही होगा। यहाँ पर टो और याना एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे थे। सो हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाला सीन जहाँ पर ताबित उयाना से मिलने के लिए आ जाता है। तो यहाँ पर ना ताबित बोलता है उयाना को कि आप जितना कंपनसेशन हो सकता है वो देने के लिए रेडी है मिस्टर फी। उयाना को लग रहा था कि वो डिवोर्स के लिए मतलब वो सीईओ का पोजीशन भी हटवाने के लिए और सब कुछ के लिए ऐसा वो बोला है, लेकिन ताबित बोलता है कि वो शादी रजिस्टर करवाना चाहते हैं। इधर विन और मिलिन इतना सर दुख रहा था ना उनका, हो सकता है अब यहाँ पर कुछ फोटोज़ थे और कुछ लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारे पापा की सच्चाई जानता हूँ और अगर तुम्हें जानना है तो मेरे पास आ जाओ, मिस्टर फी ने ऐसा लिखा हुआ था। और यहाँ पर उन लोगों को एक फ़ोटो मिलता है जहाँ पर ये लिखा हुआ था कि मतलब ओ इनके पापा और एक लड़की थी। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है किन बोलता है पापा ये सब मत कीजिए क्योंकि आप जितना विन को आउट करोगे ना उतना ही मिलिन गुस्सा होगी। और यहाँ पर वो बोल रहे थे कि ऐसा नहीं होगा और मैं अब उन दोनों को ना इतने आसान से रहने तो बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं फार्मा को इतना मजबूर कर दूंगा कि वो दोनों ना उसके बच्चे उसे इतना हेट कर रहे। यहाँ पर दादी जी बोल रही थी मुझे लगता है इस टाइम पे ये गलत थे लेकिन मिस्टर भी रुक नहीं रहे थे, मतलब उनको तो सबको तबाह करना है ये वाला मोड। यहाँ पर एक फ़ोटो था जहाँ पर मैंने बोला ना और यहाँ पर वो इनको पता नहीं ये कौन है, ये दोनों यही देख रहे थे। यहाँ पर मिलिन बोलती है हो सकता है ना वही को वो कोई एम्प्लॉय हो सकती है, मिलिन बोलता कि नहीं मुझे नहीं पता। नेक्स्ट सीन यहाँ पर किन बोलता है मैं मिलिन को ऐसे हट होते हुए नहीं देख सकता डैड। तो यहाँ पर मिस्टर वी बोलते कि तुम पहले अपने आप को बचाना सीखो, तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखो, तुम्हें तो याद भी नहीं ना तुमने क्या किया है, तुम्हारी वजह से कितना बड़ा पंगा हुआ था और अब बड़े आए अपनी बहन को बचाने के लिए, पहले जाओ और अपने आप को बचाओ, अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखो, हमारी कंपनी के लिए कुछ ना प्राउड वाला मोमेंट करो, उसके बाद ना किसी और के लिए सोचना, अपने बहन के लिए सोचना। और बोलते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि विन सच्चाई जानने के लिए मेरे पास आने वाला है उसको लेने जाओ, ऐसा वो बोल देते हैं।
कीन यहाँ पर विन को लेने के लिए आया हुआ था, लेकिन मिलिन बीच में आ जाती है और साफ साफ मना कर देती है। वो भी उसके साथ जाना चाहती थी या फिर डैड के हाथों विन को मैनिपुलेट होने तो वो दे नहीं सकती थी। यहाँ पर विन बोलता कि कोई बात नहीं, मुझे जानना है सच्चाई। और उसके बाद उसकी बहन नाव भी आ जाती है, कीन ने उसे भी बुलाया था तो यहाँ पर नाव उसके साथ रहेगी। ये जाने के बाद मिलिन उसे वहाँ से जाने के लिए ओके बोल देती है। यहाँ पर मिस्टर फी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि विन और उसकी बहन आएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो मिलिन आ गई, वैन आ गए। सो अब पूरा बाजी पलट गया। यहाँ पर मिलिन बोलते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई। सो यहाँ पर आप जितना ज़्यादा विन को हर्ट करोगे ना, उतना मैं दूर भागूंगी, और आपको लगता है ये सब करने के बाद विनर में अलग हो जाएंगे, आप कितना गिर सकते हैं, ऐसा बोल के, मतलब बाप बेटी में वही वाली लड़ाई हो रही थी। और यहाँ पर वो बोलते कि ये सब करने के बाद आपको लगता है मैं आपके पास वापस आ जाऊँगी। तो यहाँ पर मिस्टर भी बोलते कि ठीक है जाओ, किसने बुलाया तुम्हें, मेरा ना तो कोई रिश्ता है तुमसे, तुम जो करना है करो, मैंने तुम्हें थोड़ी रोक रखा है, मेरा कुछ और मकसद है, ऐसा बोल देते हैं। मिलिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सो नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि यहाँ पर ना उयाना कैसे यहाँ पर आ गई थी। यहाँ पर ना ताबित ने फ़ोन भी ये बोला था कि यहाँ पर विन को आउट करने वाले मिस्टर फी, तो ये जाने के बाद उयाना यहाँ पर मिस्टर फी से मिलने के लिए आ जाती है। और इन दोनों का वही था रोना धोना, मिस्टर फी का ईगो और उयाना का कन्फेशन वही चल रहा था। और यहाँ पर डिवोर्स मांग रही थी, वो डिवोर्स देने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थे। और यहाँ पर पहले तो प्यार से समझाती, उसके बाद उसका गले दबाने तक लग गए थे। और उसके बाद यहाँ पर उयाना घर छोड़ के जाने वाली थी बैग्स पैक करके, लेकिन जब तक ताबी थे इस घर में कोई सुख चैन से रह थोड़ी सकता है, तो ताबित आकर रोक लेता है। और मिस्टर फी के ऑर्डर में ताबित उयाना डार्लिंग को और वो जो जहाँ पर पहले मिलिन को रखा था ना, वहाँ पर लेकर रखने चला जाता है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन, जहाँ पर कि इनको हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलते हैं मिलिन, और वो पूछती कि तुमने मेरी हेल्प क्यों की, क्योंकि कभी भी ऐसा हुआ नहीं था कि किन ने आके उसे हेल्प की हो उस दिन के बाद, मतलब यंग एज के पहले तो करता था। वो बोलता कि क्योंकि मुझे इस बार लगा था कि डैड गलत है और मुझे उनकी सपोर्ट नहीं देनी चाहिए। ये सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पर किन बोलता है कि प्लीज़ ये चीज़ें जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता है, इसके बाद कभी कुछ एक्सपेक्ट मत करना। सो ये वाला सीन में यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है किन अब पहले पापा जी के एड्रेस जाके बहन की मदद कर ली, अब तो सजा तो भुगतने थी। यहाँ पर वो बोलते कि तुम कभी कुछ ढंग से कर ही नहीं सकते, तुमसे कुछ होता ही नहीं, ये सब की शुरुआत भी तुमसे हुई थी, तुम्हें याद है ना तुमने क्या किया था जिसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, और आज फिर से तुम वही रिपीट कर रहे हो। मैंने इतना मेहनत करके सब कुछ सही किया था, आज तुमने तुम्हारी एक बेवकूफ़ी की वजह से मेरे हाथों से सब कुछ चला गया, बोल देते हैं। तो किन ने क्या किया होगा वो हमें आखिरी एपिसोड में पता चलेगा। ताबित साइड पे था और यहाँ पर वो बोलते कि मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, ताबित उसे देख रहा था। सो यहाँ पर मिलिन बहुत परेशान थी, वो सोच रही थी पता नहीं क्या हुआ होगा। और जब वो घर पे आती है, मतलब अंदर कमरे में, वो बाहर थी तब यहाँ पर हमारा बेबी विन बैठा हुआ था। और तब यहाँ पर विन पास बताना स्टार्ट करता है जो उसके डैड ने बताया था। जब तीतरू बहुत लो पोजीशन में पहुँच गए थी, बहुत ज़्यादा लोन थे उनके, तो यहाँ पर ग्रेस नाम की एक पोलिटिशियन की बेटी शेरोडल बन के आई हुई थी। तो हमारे पापा जी उसके साथ कुछ ज़्यादा ही करीब हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी तीतरू के सारे प्रोजेक्ट के लिए। और नज़दीकियाँ बढ़ती गई और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसा कुछ हो गया और उनकी माँ को पता चल गया, तो वो वहाँ पर उसे छोड़ के चली गई। और यहाँ पर बाद में अपने बच्चों को देखने के बाद रियलाइज़ हो गया मिस्टर फारामा को, तो इसे छोड़ने वाला है जाने के बाद ग्रेस उन्हें इतना पिटवाती है। एंड देन यहाँ पर हमारी जो मॉम है ना उनकी, वो उन्हें बचाने के लिए आ रही थी एंड देन गाड़ी एक्सीडेंट हो गया और इस तरह से उसके मॉम की डेथ हो गई। तो बेसिकली इट वाज ऑल अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, शॉर्टकट रास्ते से टी ग्रुप ज़्यादा जल्दी ऊपर आई थी, ये चीज़ें विन बता रहा था मिलिन को। और यहाँ पर विन के पापा को ये चीज़ वजह से बहुत बुरा लग रहा था, अभी भी वो इसी गिल्ट में थे और आज तो बच्चों को बता दिया तो सही हो गया। सो विन ये सारी चीज़ें मिलिन को बताता है और वो बहुत ज़्यादा रो भी रहा था, मिलिन उसे इमोशनली सपोर्ट करती है। हमें दिखाया गया है, अब सबका पास दिखाया तो मिस्टर फी का भी कुछ दिखाई देते हैं। तो क्या था ना, मिस्टर फी यहाँ पर बैठे हुए थे और वो अपनी मॉम से बोलते कि ऐसा क्यों होता है कि मैं सबको प्रोटेक्ट करता हूँ, सब मेरे से भाग जाते हैं। तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलती कि तुम्हें याद है ना ये सब मिंत्रा से स्टार्ट हुआ था, मिंत्रा मतलब यहाँ पर मिलिन की मम्मा। तो दादी जी ने अरेंज मैरिज करवाया था अपने बेटे का, पहले तो वो उन्हें देखना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके उनके दिल में उसके लिए प्यार आने लगी। लेकिन
हमारी मिलिन की मॉम ना बीमार हो गई थी, तो यहाँ पर होता क्या है ना, अगर इमोशनल अटैचमेंट हो जाए तो उसे बुलाने में मुश्किल हो जाती है। ऐसा सोच के वो उनसे दूरी बनाए रखने लगे और कुछ उनकी केयर मतलब रेख देख के बगैर ही मतलब जो वेट कर रही होती है ना एक वाइफ अपने पति के आने की उनका केयर का, तो वो देख के बगैर ही वो मर जाती है। बाद में उनके मरने के बाद वो बहुत गिल्ट फील कर रहे थे। अब दादी जी बोलते कि बेटा अपने प्यार करने वाले लोगों को ना इस तरह से मत पकाओ, सब कुछ तबाह हो जाएगा तुम्हारे लिए। और यहाँ पर हमारे मिस्टर फी रोने लग जाते हैं और माँ बेटे का भारत मिलाप तो नहीं, लेकिन यहाँ पर हमारी दादी जी मिस्टर फी को गले लगाती है और बोलते कि प्लीज़ अब ये सब बंद करो, जिससे तुम प्यार करते हो ना उनको ना प्यार दिखाओ और इस तरह से भगाओ मत, और कोई भी चीज़ ना तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहनी चाहिए, जो तुमने अपने वाइफ के टाइम पर मिस्टेक की थी ना उसको रिपीट मत करो, ऐसा वो बोल रही थी। सो हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन, उयाना बहुत परेशान थी, वो ताबित को बोलती है कि पता है ताबित मैं हमेशा से लाइफ जाती थी और आज मुझे मिल गया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई गला दबा रहा है, मुझे घुटन हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, आखिर मैंने कौन सी गलती कर दी ऐसी लाइफ एक्सपेक्ट करके, ऐसा वो बोल रही थी। यहाँ पर ताबित बोलता है कि मुझे ये सब तो पता नहीं, यहाँ पर फी आने वाला है लेकिन वो दूसरे कमरे में सो जाएगा, आप कोई उसके अगेंस्ट ट्रिक मत आजमाइएगा, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो पूछता है कि आप सेक्रेटरी रूम में सच्ची में आपने कुछ नहीं देखा ना, अगर किसी के हाथ में ना सुपीरियर वाला कार्ड होगा, मतलब बोलते हैं ना कोई पत्ता बड़ा पत्ता होगा ना तो आपका गेम पलट सकता है, तो आप सोचिए कि सच्ची में आपने उसके रूम में कुछ नहीं देखा था, मतलब मिस्टर फी के सेक्रेटरी रूम में, ऐसा वो पूछता है। वो यहाँ बोलते हैं नहीं मैंने कुछ भी नहीं देखा। और यहाँ पर ताबित ये बोलने के बाद हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो गया। सो आई जस्ट होप गाइज आपको थर्ड लास्ट एपिसोड पसंद आई होगी, अगर आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और मैं कहना चाहती हूँ आपके इसके बाद के दो एपिसोड आपके सर के ऊपर से ऐसा पत्थर रखा जाएगा, ऐसा लगेगा आपको इतने सारे ट्विस्ट टर्न दो एपिसोड में, उस टाइम तक के लिए आप लोग ज़रूर वेट कीजिए, मैं बहुत जल्द एपिसोड नंबर 19 और 20 का एक्सप्लेन करूँगी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, चैनल में नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू।